It's time for South Africa versus श्रीलंका, टू हैवी वेट्स फाइनली क्लैशिंग. ऑफ कोर्स श्रीलंका इतने फेवरेट्स नहीं कहे जाएंगे इन दिस टूर्नामेंट, बट ऑफ कोर्स इन कंपैरिजन टू द अदर लोड्स ऑफ टीम्स दैट आर प्लेइंग, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर टीम इन्हें कहा जाएगा. एंड ये गेम खेला जाएगा था नसाउ स्टेडियम इन न्यूयॉर्क, जहाँ पे हमने देखा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का गेम. तो वहां पे जो भी हमने पिच में ऑब्जर्व किया वो सब आपके साथ शेयर करेंगे आगे. इंश्योर कि आप प्रीव्यू एंड तक देखिए, ताकि जो भी हमारे इनसाइट्स है वो हम आप तक पहुंचा पाए. विन प्रेडिक्शन इस गेम में साउथ अफ्रीका की तरफ, क्योंकि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है विल बी वेरी हैवी वेट इन कंपैरिजन टू श्रीलंका. प्लस जो बोलिंग है ऑप्शन है इनके पास, दोज आर द वंस व्हिच आर लाइकली टू बी सूटेबल ऐसे कंडीशंस में. स्मॉल लीग आप खेल सकते हो ऑन माई मास्ट 11, 50,000 का गिव अवे भी है, तो फ्री कॉन्टेस्ट बिल्कुल ज्वाइन करेगा. आपका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. हमारा रेफर कोड है FCP. एक्सचेंज 22 पे भी नो लॉस लीग ऑलरेडी चल रहा है. अगर आपको नहीं पता कि नो लॉस लीग क्या है, तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना फर्स्ट प्रीव्यू ऑफ द वर्ल्ड कप, तो जल्दी से जाके वो अभी के अभी देख लीजिएगा. अब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है ऑन माई मास्ट 11. इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड आप कैसे जीत सकते हो? जैसे आप ज्यादा ज्यादा अमाउंट की लीग जितने ज्यादा ज्वाइन करते जाओगे, आप इसमें अपना रैंक बढ़ाते जाओगे. एंड बहुत सारे प्राइजेस यहाँ पे अवेलेबल है माई मास्ट 11 पे. सो इंश्योर यू साइन अप राइट अवे. ऐप ट्राई करिए, मजा आए तो बिल्कुल खेलेगा. एंड नो लॉस लीग जैसे मैंने कहा इज लाइव ऑन एक्सचेंज 22. आपको ₹100 रियल कैश मिलेगा ऑन साइन अप. सो इंश्योर दैट यू साइन अप राइट अवे. एप्स के लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. आप चलते हैं टुवर्ड्स द टैक्टिकल कॉर्नर. यहाँ पे बात की जाए साउथ अफ्रीका श्रीलंका की, तो श्रीलंका की बैटिंग ऑफ कोर्स येलो है ऑल थ्रू आउट, एंड फिनिशिंग ऑर्डर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं उनका. वाइल फॉर साउथ अफ्रीका बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर बोलिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, रबाडा क्विजी है, एंड अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाते हैं तो वहां. बट एल्स आई थिंक इनकी बोलिंग ऐसी है कि चली तो बहुत अच्छी चलेगी, एल्स यहाँ पे रन भी खा सकते हैं. हमने यानसन के साथ भी देखा है पहले. एंड फोर्टेन को कितनी हेल्प मिलेगी फ्रॉम द पिच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट. एनगीडी का भी फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा. और श्रीलंका आई थिंक ओपनिंग बोलिंग काफी स्ट्रॉन्ग है. आपके पास मधुशंका है, उसे डिसिप्लिन बोलर चमीरा भी वो फेज में डाल सकते हैं इफ ही प्लेज. मैथ्यूज अगर कुछ हेल्प हुई अप फ्रंट, एंड अगर कुछ स्पिन रही तो वो केस में ठीक शाना. सो आई थिंक आपके पास काफी सारे ऑप्शन है उस फेज में. एंड पथिराना एदर डेथ विल ऑफ कोर्स बी लीथल, हसरंगा इन द मिडल ओवर. सो टू वेल बैलेंस टीम्स. ऑफ कोर्स जो चीजें आपको वॉच आउट करनी है, वीक फिनिशिंग ऑर्डर ऑफ श्रीलंका, जहाँ पे एनगीडी के सामने आएंगे जो जो खुद उतने अच्छे खासे फॉर्म में चल नहीं रहे. एंड कंडीशंस फेवर करेंगे साउथ अफ्रीका पेसर्स को. सो लेट्स सी कैसे वो जाते हैं वर्सेस द श्रीलंकन बैटिंग ऑर्डर. तो ये हुई टैक्टिकल कॉर्नर की बात. रिमेंबर टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम @FantasyCricPro. आपको फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स वहीं पे मिलेंगी. टेलीग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. एंड लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करेगा, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए. अब इस गेम में अभी के लिए क्लियर वेदर रिपोर्ट. आई होप कि ये वेदर रिपोर्ट तब तक भी मेंटेन रहे जब तक गेम शुरू हो, बिकॉज हमने देखा है कि सम वेदर अराउंड गेम्स, बट अभी के लिए क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड फॉर दिस वन. बात की जाए पिच रिपोर्ट की, तो वो ड्रॉप इन पिच यूज की जाएगी जो हमने देखी थी इन द इंडिया वर्सेज बांग्लादेश गेम. वहां पे दो जो चीजें हमने ऑब्जर्व की, एक तो काफी ज्यादा बाउंस था, दूसरी चीज जो ओवरनाइट ओवरनाइट मॉइस्चर था, जो प्रीवियस रात का मॉइस्चर था, उस वजह से कुछ लैटरल मूवमेंट भी थी इन द पिच, जो हमने शॉरी फुल की बॉलिंग में देखा था इन द स्टार्ट. तो इस बात का ध्यान रखिए, एंड पॉसिबल है दैट दिस फैक्टर कम्स राइट बैक इन विद माको यानसन. अब बात की जाए एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की फॉर साउथ अफ्रीका. आई थिंक काफी सेटल्ड इलेवन है. एक जो स्पॉट टू डिबेट होगा विल बी वन बिटवीन शामजी महाराज फोर्टेन. आई थिंक फोर्टेन को स्टार्ट करना चाहिए, बट लेट्स सी कौन आता है उस स्लॉट में. एक और जो प्लेयर है जिनके ऊपर ये अपना सर दर्द करेंगे वो होगा एनरिक नोकिया, बट जिस तरीके का फॉर्म है इट माइट बी डिफिकल्ट टू स्टार्ट हिम. श्रीलंका की बात की जाए, एक स्लॉट होगा दासुन शनाका का. अब अगर उनको एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना है वहां पे वो जा सकते हैं. एल्स इनके पास इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है कि प्रॉब्ली वो 4 ओवर्स की इतनी उनको चिंता ना हो, क्योंकि काफी ऑप्शन है इन द बॉलिंग ऑर्डर इन द बैटिंग ऑर्डर टू बॉल. सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि धनंजय भी डाल सकते हैं, मैथ्यूज भी डाल सकते हैं, शनाका भी डाल सकते हैं, तो आपके वो 4 ओवर्स इन 3 प्लेयर्स में कवर हो जाते हैं. बट लेट्स सी कि क्या प्लान है मैनेजमेंट का उस स्लॉट के तहत. एल्स आई थिंक एक काफी सेटल्ड 11 इवन फॉर श्रीलंका. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं टुवर्ड्स द इंडिविजुअल प्लेयर्स, एंड वी स्टार्ट विद टीम साउथ अफ्रीका. पहले प्लेयर यहाँ पे क्विंटन डिकॉक. फॉर्म कुछ खास नहीं रहा इनका, बट ये पिच पे अच्छी खासी बाउंस है, सो यू शुड एंजॉय बैटिंग हियर. एंड 11 मैचेस में 271 रन अगेंस्ट श्रीलंका, 33 की एवरेज, सो अच्छे खासे नंबर्स. एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कीपिंग भी यही करेंगे. सो अनलेस ये पहले बैटिंग करते हैं जहाँ पे कंडीशन थोड़े ज्यादा टफ है, आई थिंक एक अच्छी नॉक आप इनसे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो.
रीज़ा हेंड्रिक्स अच्छे फॉर्म में लगे वर्सेस द वेस्ट इंडीज। एक जो इनके साथ प्रॉब्लम यही रहती है कि स्टार्टिंग से शॉट्स मारने को जाते हैं, यहाँ पे पहले बैटिंग इन द डे माइट नॉट बी दैट इजी। 9 मैचेस में 322 रन वर्सेस श्रीलंका 42 की एवरेज, प्लस आपको ऑफ स्पिन के साथ भी वैल्यू दे सकते हैं। सो इज अ गुड प्लेयर एंड कैन डेफिनेटली गिव यू सम वैल्यू, एंड अभी के लिए बेस टीम में रहेंगे बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज ऑन। एडन माकरम आईपीएल का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा, वर्सेस श्रीलंका भी 5 मैच में सिर्फ 106 रन एंड चार चार विकेट ले चुके हैं ये, बट फॉर्म विल बी अ कंसर्न। उसके अलावा ऑफकोर्स काफी टैलेंटेड प्लेयर है एंड बेस टीम में जगह आप इनको भी दे सकते हैं। एंड्रे क्लासेन बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं ऑफ लेट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉर्म इन द वर्ल्ड करेंटली। 2 मैचेस में सिर्फ 20 रन वर्सेस श्रीलंका, बट जिस तरीके की फ्लो एंड फॉर्म में, आई डोंट थिंक आप ज्यादा रीड इनटू करोगे उस फैक्टर पे, एंड डेफिनेटली बेस्ट टीम में जगह इन्हें मिल जाएगी। डेविड मिलर ये भी अच्छे लगे थ्रू आउट द सीजन इन द आईपीएल। 11 मैचेस में 245 रन एंड एवरेज ऑफ 27 वर्सेस श्रीलंका। एंड प्रॉब्लम यहाँ क्या है, अब यहाँ पे बहुत सारे इनफॉर्म बैटर्स है राइट फ्रॉम मिलर स्टब्स क्लासेन, सो यू विल हैव टू बैलेंस आउट एंड सी बेस्ड ऑन द कंडीशंस कि आप किसके साथ जा सकते हो। सो ऑफकोर्स एक अच्छी पिक रहेंगे, बट अभी के लिए बेस्ट टीम में नहीं है। बेस्ड ऑन द टॉस वी विल बी एबल टू टेक अ फाइनल कॉल। सेम गोस फॉर डिस्टेंस स्टब्स, बहुत ही अच्छे टच में लगे इन द आईपीएल, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इन्हें पिक नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास उतने स्लॉट्स नहीं होंगे द टीम। तो जब हम हमारी फाइनल टीम बनाएंगे टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द एंड ऑफ दिस वीडियो, तब इन प्लेयर्स को हम और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। मार्को यानसेन आई थिंक बेस टीम में बिल्कुल रहेंगे क्योंकि जिस तरीके की हेल्प हमने देखी एट द स्टार्ट, आई थिंक अगर कोई प्लेयर होगा इस टीम में उस चीज को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए, वो होंगे मार्को यानसेन, एंड डेफिनेटली इन माय बेस टीम एंड इवन अ टॉप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस। गगिस रबाडा 6 मैच में 5 विकेट वर्सेस श्रीलंका, एंड अगेन अ गुड प्लेयर टू पिक। मैं चाहूंगा कि प्रॉब्ली जब वो डिफेंड कर रहे हैं स्कोर तब ज्यादा मेरी टीम में रहेंगे कगिसो रबाडा, एज आई एम नॉट श्योर इफ यू स्टार्ट विद द बॉल व्हेन ही इज बॉलिंग फर्स्ट, एंड डेथ में भी हमने इतने अच्छे खासे ओवर्स इनके देखे नहीं इवन इन दी आईपीएल। सो थोड़े से 50-50 पिक बेस्ड ऑन हिज करंट फॉर्म। जेरल कोर्डिया बेस टीम में रहेंगे एंड हमने देखा है कि बहुत सारे विकेट्स ये लेते हैं, स्ट्राइक करते हैं अंडर प्रेशर, सो डेफिनेटली विल बी इन द बेस टीम इन दिस वन, स्पेशली अगेंस्ट श्रीलंकन टीम जो बाउंस के सामने काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। लुंगी एनगिडी अगेन अ प्लेयर हु विल नॉट बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक क्योंकि वाइल्ड पिचेस जहाँ पे वेस्ट इंडीज में थोड़ा जब आप कटर्स डालते हो तो स्लो होती है, आई डोंट नो कि यहाँ पे ऑन अ पिच विच हैज पेस एंड बाउंस क्या एनगिडी को उतनी हेल्प मिलेगी कि नहीं। वर्सेस श्रीलंका बहुत अच्छे नंबर्स, 4 मैचेस में 6 विकेट, सो इफ इज बॉलिंग फर्स्ट टीम में रहेंगे सेकंड। फिर आते हैं यहाँ पे तबरेज शाम जी, यहाँ पे एक चाइना मैन एंड 7 मैच में 11 विकेट वर्सेज श्रीलंका, तो अच्छे खासे नंबर, सेकंड बॉलिंग करते हैं तो आप बिल्कुल टीम में ले सकते हैं, बट अभी के लिए प्रॉबली अनलाइकली टू प्ले इन दिस गेम। सेम फॉर केशव महाराज, 4 मैच में 3 विकेट वर्सेज दिस टीम, एंड वेट एंड वॉच सॉर्ट ऑफ प्लेयर रहेंगे क्योंकि ज्यादा डिफेंसिवली ये बॉलिंग करते हैं। बट जॉन फोर्टेन आई थिंक मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट इन दिस गेम होंगे, यही 3 मैच में 5 विकेट वर्सेज श्रीलंका। फॉर्म भी इनका अच्छा रहा है, काफी शार्प लाइन ये डालते हैं एंड हेंस एक काफी अच्छी चॉइस ये बन सकते हैं वर्सेस श्रीलंका, स्पेशली अगर कोई भी साइन हो कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ हेल्प इन द ट्रैक। अब चलते हैं श्रीलंकन टीम की तरफ एंड यहाँ पे भी स्टार्ट विद पातुम निसंका। एक ही T20 इंटरनेशनल खेला विद साउथ अफ्रीका, बट उस गेम में 72 रन, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं ऑफ लेट, एंड जिस तरीके से स्टार्ट करते हैं अपनी इनिंग्स अच्छी खासी फैंटेसी वैल्यू दे सकते हैं। एक जो प्रॉब्लम हो सकती है विद निसंका एंड कुशाल मेंडिस वो है कि जो अप फ्रंट लैटरल मूवमेंट यहाँ पे मिलती है स्पेशली व्हेन बैटिंग फर्स्ट, पॉसिबल है कि विद द बाउंस ये पीछे एज कर रहा है टू द कीपर और टू स्लिप, तो इस बात का ध्यान रखिए स्पेशली विद दीज टू कुशाल मेंडिस एंड पातुम निसंका। कुशाल मेंडिस का रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब वर्सेस साउथ अफ्रीका, 6 मैच में सिर्फ 12 रन इन T20 है। ऑफकोर्स कुछ मैचेस इनमें से इन साउथ अफ्रीका भी है एंड जिस तरीके का बाउंस है आई डोंट नो कि इन्हें इनिशियली ये सूट करेगा या नहीं। सो लेट्स सी कि कैसा जाता है इनके लिए ये मुकाबला। धनंजय डिसिल्वा 10 मैच में 117 रन एंड 4 विकेट वर्सेस साउथ अफ्रीका, सो अगेन अ वेरी एवरेज रिकॉर्ड एंड बेस टीम में तो नहीं स्टार्ट कर पाएंगे ये भी इन द टीम। सदीरा समर विक्रमा अगर पहले बैटिंग करते हैं तो बेस टीम में डेफिनेटली इन्हें लूंगा यहाँ पे क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं जब आप थोड़ा आराम से खेलते हो तो फैंटेसी वैल्यू वहां पे आपकी बढ़ जाती है एंड काफी स्टेबली खेलते हैं, प्लस ये आएंगे जब तक मूविंग बॉल का असर मोस्टली तो खत्म हो जाएगा अनलेस 2 विकेट पहले 5-10 बॉल में ही वहां पे गिर जाए। फिर चलते हैं चरित श्रीलंका की तरफ, 3 मैच में 41 रन अगेंस्ट दिस टीम, बट जिस तरीके के खिलाड़ी हैं ये ऐसे टाइप के प्लेयर हैं कि बाउंस एंड प्लेइंग स्क्वायर एंड कट
ये खेलना पसंद करते हैं, सो आई थिंक ये टाइप ऑफ पिच इन्हें बिल्कुल यहाँ पे सूट कर सकती है. सो डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, स्पेशली व्हेन ही इज बैटिंग फर्स्ट. एंजेलो मैथ्यूज ऑफ कोर्स इनके लेजेंड रहे हैं, एंड आप जानते हो कि मिडल ओवर्स में बॉल अच्छी तरीके से नडल करके आपको थोड़ा बहुत स्ट्राइक रोटेशन करके दे सकते हैं. इफ देयर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प अप फ्रंट फ्रॉम द ट्रैक, तो वो भी ये लेने में पिच में से माहिर है. 7 मैचेस में 122 रन वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड 2 विकेट ये ले चुके हैं पहले इनके सामने. प्लस इनका जो एक्सपीरियंस है काफी यहाँ पे काम आएगा. वन इंदु वसरंगा 4 मैच में 6 विकेट्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, एंड वाइल पिच में भी उन्हें उतनी ना मदद करे, आई थिंक द साउथ अफ्रीकन टीम अगेंस्ट वन इंदु माइट हैव अ चैलेंज और टू, स्पेशली अगर ये सेकंड बॉलिंग करते हैं, डेफिनेटली मेरी बेस टीम में इन्हें जगह मिल जाएगी. दासुन चना का कुछ खास रंग में लगे नहीं ऑफ लेट, 6 मैच में 91 रन एंड जस्ट 1 विकेट. बॉलिंग भी करेंगे तो 1-2 ओवर करेंगे, बैटिंग भी काफी लो करते हैं, सो बेस टीम में लेना मुश्किल होगा, विल ओनली बी अ ग्रैंड लीग ऑप्शन. फिर चलते हैं महेश तिक्षाना की तरफ, ये भी कुछ फॉर्म में नहीं लगे इन दी आईपीएल, हेंस अभी के लिए मेरे बेस टीम में नहीं रहेंगे. ऑफ कोर्स एज अ पंट पिक आप इन्हें ले सकते हो, वो साउथ अफ्रीका एक कभी भी एक कोलैप्स ट्रिगर कर सकते हैं, एंड ये ऐसे टाइप के बॉलर हैं जब 1 विकेट लेते हैं तो विद इन कॉन्फिडेंस 1-2 विकेट और उनसे तभी निकल जाते हैं, स्पेशली अगर वो पहला विकेट पहले या दूसरे ओवर में वहां पे आ जाए. सो दैट विल बी अ पॉइंट टू वॉच आउट फॉर. दिलशान मधुशंका का बहुत ही इंप्रेसिव पेसर, मुंबई इंडियंस ने खरीदा था इन्हें बट इंजरी के तहत पूरा सीजन बाहर हो गए है, एंड डेफिनेटली विल वांट टू प्रूव अ पॉइंट. एंड इन टाइप के कंडीशंस में जैसे मैंने कहा, अगर मार्को यांसन इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम साउथ अफ्रीका व्हेन बोलिंग फर्स्ट, फ्रॉम श्रीलंका मेरे हिसाब से वो प्लेयर होंगे दिलशान मधुशंका. ही कैन डेफिनेटली पोज अ चैलेंज. रीजा हेंड्रिक्स भी ऐसे ही टाइप के प्लेयर है जो आउटसाइड ऑफ थोड़ा अपना पैर और अपना शॉट मारते हैं, पैर एंड बैट के बीच में काफी गैप वहां पे रह जाता है, सो वॉच आउट फॉर दिलशान मधुशंका इन द फर्स्ट 3 ओवर्स. मतीशा पतिराना बॉलिंग फर्स्ट डेफिनेटली बेस्ट टीम में रहेंगे, बॉलिंग सेकंड में 50-50 चॉइस, बट काफी विकेट टेकर है, जब 40-50 रन भी देते हैं तब भी विकेट लेके जाते हैं, एंड डेफिनेटली. मैचअप्स की बात की जाए तो रीजा हेंड्रिक्स आउट हुए 2 बार टू वनिंदु हसरंगा, एंड यहाँ पे स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं. कुशाल मेंडिस आउट हुए कगिस रबाडा को 2 बार, वो भी 5 डिलीवरीज में, एंड स्ट्राइक रेट ओनली ऑफ 20, वाइल रीजा हेंड्रिक्स विल लुक फॉरवर्ड टू फेसिंग तिक्षाना 30th of 24 एंड 158 की स्ट्राइक रेट. सो सम इंटरेस्टिंग मैचअप्स हियर, एंड बेस्ड ऑन दैट बनाते हैं हमारी आज की बेस्ट टीम ऑन द माय मास्टर 11 ऐप. सो वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन हियर, एंड यहाँ पे होंगे ऑनरिक क्लासन एंड क्विंटन डिकॉक मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स इन दिस सेक्शन. इन द बैटिंग सेक्शन माय चॉइसेस फॉर नाउ विल बी रीजा हेंड्रिक्स जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस. बाकी पिक्स हम करेंगे आफ्टर पिकिंग द ऑलराउंडर्स एंड बोलर्स. इन द ऑलराउंडर सेक्शन वनिंदु हसरंगा, मार्को यानसन एंड एडन मार्करम होंगे 3 स्ट्रेट पिक्स, वाइल इन द बोलिंग सेक्शन कगिस रबाडा विल बी 50-50 जैसे मैंने कहा. जेराल्ड क्वर्टजिया मेरे होंगे एक लॉक पिक, एंड उसके अलावा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिलशान मधुशंका बोलेंगे, हेंस अभी के लिए ये भी मेरी टीम में एक जगह पा लेंगे. तो ये हो गए मेरे 8 प्लेयर्स फिक्स. अब हमारे बाकी के प्लेयर्स कौन होंगे, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. तो चरित असलंका इफ ही इज बैटिंग फर्स्ट, ही विल डेफिनेटली फाइंड अ प्लेस इन माय बेस टीम. इन द बोलिंग सेक्शन कगिस रबाडा विल बी अनदर पिक टू वॉच आउट फॉर, एंड मतीशा पतिराना इफ ही इज बोलिंग फर्स्ट. इफ मतीशा पतिराना डज नॉट बोल फर्स्ट, मैं जा सकता हूँ यहाँ पे विद एन एक्स्ट्रा साउथ अफ्रीकन बैटर. बात की जाए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस की, तो मार्को यानसन के साथ मैं काफी टेम्पटेड हूँ जैसे मैंने मेंशन किया, एंड वाइस कैप्टन विल बी आइदर जेराल्ड क्वर्टजिया और वनिंदु हसरंगा बेस्ड ऑन द टॉस. अभी के लिए आई एम कीपिंग वनिंदु हसरंगा एज माय वाइस कैप्टन. तो ये रहा मेरा आज का कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में जैसे मैं कहता हूँ, मैं ज्यादा समय ज्यादातर वहां पे वेस्ट करता नहीं, क्योंकि जब मैं प्लेयर कार्ड्स को इंडिविजुअली वहां पे एक्सप्लेन कर देता हूँ तो काफी आइडिया आप लोगों को आ ही जाता है कि कौन होंगे वो पिक्स. एंड अगर आपने नहीं देखे प्लेयर कार्ड्स तो जाके देखिए, क्योंकि असली वैल्यू यहाँ पे टीम तो सब आपको बना के दे देंगे बट टीम का लॉजिक क्या है वो आपको वहां से समझ आ जाएगा. अब चलते हैं आज के ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ. तो सदीरा असलंका व्हेन बैटिंग फर्स्ट विल बी गुड चॉइसेस. एनगीडी बोलिंग फर्स्ट एंड बैटमैन मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द टू टू प्ले, तो जो भी वहां पे खेलता है. हाई सिलेक्ट ड्रॉप रिस्बॉन्ग पाथुम निसंका एंड कुशाल मेंडिस क्यों, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ इन द प्लेयर कार्ड्स. ग्रैंड लीग सीवीसी चॉइसेस विल बी माकरम बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, बोलिंग फर्स्ट विल बी एनगीडी. इन बोथ सिनेरियोस क्लासन हसरंगा एंड क्वर्टजी विल बी रियली गुड चॉइसेस. इन सब प्लेयर्स का लॉजिक ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूँ इन द प्रीवियस सेक्शंस, तो इंश्योर कि आप जाके प्लेयर कार्ड जरूर एक बार देख लीजिएगा सो यू गेट फुल आइडिया. रिमेंबर टू साइन अप ऑन माय मास्टर 11 एंड एक्सचेंज 22 फॉर टॉप ऑफर्स. सब कुछ आपके लिए वहां पे हाजिर है. हमारा रेफर कोड है
FCP and join us at the rate Fantasy Cricket Pro on Twitter and Telegram for the final teams and updates. अगर आपको content पसंद आ रहा है तो like, comment, share जरूर करिएगा and remember to hit the bell icon so that you get all the video notifications that come ahead. जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए. Thank you so much for tuning in and thank you so much for all your support.